इसमें हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमारी ही गलती है इसमें. मतलब ऑब्वियसली हमारे फॉरेनर्स आए हैं और हमने उनको रिस्पेक्ट की बजाय उनको किस तरह से उनके साथ एटीट्यूड किया है, तो दिस दिस वॉज नॉट गुड थिंग फॉर अस टू. अच्छा मुझे इंसाफ के कैसा मांग रहे हैं, को खुद ही आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं, खुद ही यानी कि वो इंतजार फैलाते हैं, दहशत गर्दी करते हैं. चाइना आकर कर रहा है. अगर चाइना ने, चाइना नहीं कर रहा है, चाइना जिंदाबाद, चाइना तो वेल्डन, चाइना A1 वेल्डन, ठीक है जी. तो चाइना नहीं कर सकता, ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है, और कितनी मरतबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पे. कभी हमारे जो गांव है इर्द गिर्द के आस पास, वहाँ उन्होंने बमबारी की है, ठीक है. तो ये बाज नहीं आते, हम फिर भी हम अमन अमन पसंद लोग हैं. तो इसी तरह इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी अगर आप देखें ना, तो वही हिसाब है. अगर उनके उनकी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने शहरियों की प्रोटेक्शन करना, उनके वो ऐसे रीजन में ऐसी जगह पे डिप्यूट करना कि जहाँ पे उनकी जान व माल की जिसको बोलते हैं कि गारंटी हो. अगर आपके मुल्क के अंदर उनके शहरियों की सिक्योरिटी नहीं होगी, उनके शहरियों को जान व माल का खतरा होगा, तो वो क्यों भेजेंगे, क्यों कर भेजेंगे? क्या हम अपने किसी सिटीजन्स को ऐसे मुल्क में भेजना चाहेंगे जहाँ पे अमन व अमान? जो जो इंडिया है, इंडिया यही करवाता है, यही बंदे भेजता है. इंडिया का टॉप होंगे, उनको पैसा दिया होगा, किसने, किसी मुल्क ने दिया होगा तो ऐसे कर रहे हैं. जब हमारा घर है, हमारे घर में लड़ाई होती, सायरन अभी पीछे चल रहा है, ये तो अल्लाह करे कि किसी की ज़िंदगी जो भी खतरे में हो तो बेहतर हो जाए. लेकिन मसला कि ये साउंड सुनने के भी एक वक्त हम आदि हो गए थे कि हर वक्त एक ऐसा वक्त भी था कि हर वक्त एम्बुलेंसेस के सायरन ये जख्मियों की वजह से जो होता था वो होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है. बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली. चाइना, अब आप ऑरेंज लाइन वगैरह देख लें, हमारी चाइना की तरफ से, हमारे चाइना ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है, तो आगे हमारे ही रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ ख़राब होंगे. चीन बेटा हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, ठीक है, चीन जिंदाबाद. वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा. पाक चीन दोस्ती खराब होगी क्या इससे? नहीं नहीं, खराब नहीं होगी ये दोस्ती. के जिसको बोलते हैं कि चाइना और पाकिस्तान, अगर चाइना पाकिस्तान को छोड़ देता है तो क्या होता है? तो फिर तो वही बताए कि फिर तो आप तबाही हैं. वो क्या कहते हैं कि पश्तों का एक लफ्ज़ बोला जाता है कि गरीब तबाह दे. अच्छा. फिर तो आपका प्रोग्राम बढ़ गया, फिर तो वही बात आ जाती है ना. हाँ, डरे हुए. क्या हल है इसका? हल तो भाई इसका कोई नहीं है. अगर है? वो हल तो कोई नहीं है, बस चित्र पड़ेंगे और क्या. किसको? इंडिया को और किसको. Assalamualaikum viewers, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल. एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है. कराची एयरपोर्ट के बाहर कल रात को एक अटैक हुआ है. खुदकुश हमलावर ने चाइनीज़ की जान ले ली. चाइनीज़ कन्वॉय वहां से जा रहा था, दो चाइनीज़ एक पाकिस्तानी जाबहक हो गए हैं. पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्या मसला है, और इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है BLA. BLA ने कहा है कि हमने इस पूरे प्लान को ऑर्गेनाइज़ किया और फिर अटैक करवाया ताकि SCO मीटिंग को ख़तरे में डाला जा सके, पाकिस्तान के अंदर SCO मीटिंग ना हो, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर होने वाली है. अवाम से जानते हैं अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, क्योंकि चाइना इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें जस्टिस चाहिए और अपने चाइनीज सिटीजन्स की सिक्योरिटी चाहिए. इससे पहले भी चाइना वार्न कर चुका है हमें. अवाम से जानते हैं कि इस पूरे सिनेरियो को अवाम कैसे देखती है. मिलते हैं वीडियो के एंड पे. इसमें हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमारी ही गलती है इसमें. मतलब ऑब्वियसली हमारे फॉरेनर्स आए हैं और हमने उनको रिस्पेक्ट की बजाय उनको किस तरह से उनके साथ एटीट्यूड किया है, तो दिस वॉज नॉट गुड थिंग फॉर अस टू. अच्छा मुझे, और ये किया भी बलूचिस्तान की तरफ से गया है. बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि हमने करवाया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, यानी कि जो पाकिस्तान के अपने बंदे हैं उन्होंने ये सारी चीज़ को जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया और फिर धमाका हो गया. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो फिर इसमें ऐसे तो हमारी ही गलती है, लेकिन हमारी गलती ये भी है कि देखिए हम बलूचिस्तान के अवाम को तो हम ऐसा सिक्योरिटी है ही नहीं है वहाँ पे. वहाँ पे पुलिस स्टेशन रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से है ही नहीं है. मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दे कैन डू एनीथिंग. मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं, वो किसी को भी मार देते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता है. तो उसमें लेकिन वहाँ पर इतना सारा हल्ला क्यों मचा हुआ है? तो ऑब्वियसली फॉरेनर्स हैं और फिर चाइना हमारे साथ, चाइना और पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो उसकी वजह से ख़राब भी हो सकते हैं. नहीं, मैं ये कह रही हूँ बलूचिस्तान में इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है?
क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट है सारे, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पुलिस के लिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं हो सकते हैं, तो वो अपने आप को सेव करते हैं, मतलब उनके लिए पैसा, पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो कहते हैं हमें तो राइट्स मिलते ही नहीं हैं। अब हम लोग खुद भी तो ये कहते हैं हम वुमेन्स को इस तरह से राइट्स नहीं मिलते जिस तरह से मिलने चाहिए पाकिस्तान। ये तो सच है, रियलिटी है। 15-16 अक्टूबर को SCO मीटिंग है जिसके लिए बहुत सी कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पर आना है भाई। चाइना की तरफ से धमकी आ गई है पाकिस्तान को, SCO मीटिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा बताएं? बहुत बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली। चाइना, अब आप ऑरेंज लाइन वगैरह देख लें, हमारी चाइना की तरफ से, हमारे चाइना ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है, तो आगे हमारे ही रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ ख़राब होंगे। पहले भी कराची के अंदर काफ़ी दफ़ा चाइनीज़ सिटीजन्स पर अटैक किया गया है, अब मुझे बताएं कि उनकी तरफ से वार्निंग भी आ रही है। देखिए पहले भारत ने ये कहा था कि हमें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, तब हम पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, अब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस वाक़े के बाद क्या कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है उनकी तरफ से? ऑब्वियसली आ सकता है, मतलब कॉमन चीज़ है, जब आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी एक जगह पे, व्हेन यू नो कि यार मैं आई एम गोइंग देयर, तो मतलब उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो फिर हम लोग मोहतात रह के जाएंगे या फिर हम लोग जाएंगे ही नहीं। पाकिस्तान की जो है वो अमन को भंग करने के लिए हमारे अपने ही जो लोग हैं उनका किरदार यहाँ पर क्यों है? इतनी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे फॉरेनर्स के होते हैं। लाइक आप सऊदी अरब का ही देख लें, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर आप ट्रैफिक रूल्स भी ब्रेक कर रहे हो तो यू हैव टू पे देम। मतलब उस तरह से हमारे पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लोग अपनी मर्जी करते हैं, सिफारिशें चलती हैं, उसकी वजह से बस पाकिस्तान इसलिए बदनाम हुआ है, ख़राब चल रहा है। थैंक यू सो मच। इंसाफ के कैसा मांग रहे हैं, को खुद ही आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं, खुद ही यानी कि वो इंतजार फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। चाइना आकर कर रहा है। अगर चाइना नहीं कर रहा, चाइना जिंदाबाद, चाइना तो वेल्डन, चाइना A1 वेल्डन, ठीक है जी। तो चाइना नहीं कर सकता, ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है, और कितनी मरतबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पर, कभी हमारे जो गाँव इर्द गिर्द के आस पास वहाँ उन्होंने बमबारी की है, ठीक है। तो ये बात नहीं आते, हम फिर भी अमन पसंद लोग हैं। आपको पता है ये चीज़, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, उन्होंने कहा है कि हमने करवाया, उन्होंने ये चीज़ खुद मानी है। नहीं नहीं, वो नहीं, फौज नहीं करवा सकते भाई। ओहो, वो भाई, वो बलूचिस्तान की अपनी फौज है। अच्छा, पाकिस्तान के भी खिलाफ है भाई, बलूचिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे पाकिस्तान में आता है, वो कैसे कर सकता हुक्मरानी, वो अलग तो नहीं है ना खुद मान से, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना। पाकिस्तान का अमन क्यों भंग किया जा रहा है? बस ये हो सकता है कि बाहर की ताकतें होंगी, उनको पैसा दिया होगा, किसने, किसी मुल्क ने दिया होगा, तो ऐसे कर रहे हैं। जब हमारा घर है, हमारे घर में लड़ाई होती है, तो भाई तो जो बहन भाई से लड़ता है तो जाहिर उसे बाहर से कुछ मिला होगा तो वो लड़ेगा ना। नहीं, हमारे मुल्क से ही लोगों को दुश्मनी क्यों है ये बताएं भाई? दुश्मनी बाहर के मुल्कों का है। क्यों है भाई? ये शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, शुरू से क्या चलता रहा? मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं ये लोग। मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है, सऊदी अरेबिया का कोई दुश्मन नहीं है, दुबई का कोई दुश्मन नहीं है, कतर का कोई दुश्मन नहीं है। बात पाकिस्तान पे करें, क्यों आप मुसलमान मुसलमान बार बार करते हैं? मुसलमान तो बड़े खुशहाल हैं, बड़े तरक्की पर हैं मुसलमान, पाकिस्तान की बात करें ना। तो हमारा पाकिस्तान भी यानी कि वो है ना, यानी कि खुशहाली में है, मगर ये इसको जो है ये दहशतगर्दी में ला रहे हैं, यानी कि अमन जो ख़राब कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि दहशतगर्द हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो इंडिया है, इंडिया यही करवाता है, यही बंदे भेजता है। इंडिया का टॉपिक है ही नहीं ये, इंडिया का बीच में कोई खबर ही नहीं है, तो इंडिया के बीच में कोई बात ही नहीं है, बात पाकिस्तान के इंटरनल मैटर की हो रही है, बात हो रही है कराची एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, चाइनीज शहीद हुए हैं, आप चौथे मोहल्ले बात कर रहे हैं, करवाता होगा फिर ये। मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट की है, मैं आपको उनका बता भी रही हूँ, आप फिर मान नहीं रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद है, रात से जो है वो हमारे सारे चैनल्स पर ये खबर घूम रही है। तो भाई ये जाहिर है कि जो ऐसे हो रहा है, कोई ना कोई बात होगी ना, किसी ने इंतजार फैलाया ही होगा ना। चाइना धमका रहा है अब हमें, हम कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है, हमालिया से ऊंची शहद से मीठी। चीन बेटा हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, ठीक है,
चीन जिंदाबाद, वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा। वो चीन हमारे खिलाफ, चीन के अंदर पाकिस्तानी मारे जाए, आप उनको कहोगे नहीं कि भाई इंसान बन जो, आपको अपने पाकिस्तानी प्यारे नहीं आए? भाई जब वो दोस्त है तो क्यों मारेंगे? वही तो मैं कह रही हूँ, आपको गुस्सा आया ना जब मैंने पाकिस्तानी को, तो इसी तरह उनको भी तो आ रहा है ना, आना चाहिए। पाक चीन दोस्ती खराब होगी क्या इससे? नहीं नहीं, खराब नहीं होगी ये दोस्ती, नहीं होगी, नहीं पाकिस्तान और चीन की खराब नहीं होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद है, नो डाउट जिंदाबाद है। आपने चीन को भी जिंदाबाद, सारे मुल्क की जिंदाबाद, ठीक है, सारे मुल्क की जिंदाबाद है। मेरा आपने सवाल सुन लें, मैं कह रही हूँ जो यहाँ पर ये काम हुआ है, आपको पता है चीन इस वक्त सख्त गुस्से में है, तो गुस्सा उसको आना चाहिए ना, गुस्से में आना चाहिए उसको। मैंने खबरें नहीं देखी ना सही से। हमारे ना मुल्क के अंदर 15-16 अक्टूबर को बहुत बड़ी मीटिंग होने लगी है, ठीक है, जिसमें बहुत से मुल्कों के ऑफिशियल्स ने आना है। अब इस पूरी खबर के बाद उस पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, जाहिर है फर्क तो पड़ेगा, जब वो टीमें इकट्ठी हो जाएंगी तो फर्क तो पड़ेगा ना। पहले ही जब भी हम अपने मुल्क में किसी को बुलाते हैं वो कहते हैं कि ना हमारी जान को खतरा है। जान को क्यों खतरा है भाई? इंटरनेशनल मीडिया कहता है वो डरे हुए हैं ना, उन्होंने अपने अपने बचाव के लिए कह रहे होंगे, डरे हुए। हाँ डरे हुए। क्या हल है इसका? हल तो भाई इसका कोई नहीं है, अगर है? वो हल तो कोई नहीं है, बस चित्र पड़ेंगे और क्या, किसको? इंडिया को और किसको? नहीं, मुझे ना समझ, मैं आपको समझ नहीं आ रही। तो आपको समझ नहीं आ रही, आप फिर भी इंडिया पे इल्जाम दे रहे हैं? भाई वो तो दुश्मन जो है हमारा। अच्छा, तो होगा क्या, बकरी भी बच्चा देगी, हम कहेंगे इंडिया का हाथ है, तो ये इंडिया की बकरी का हाथ है? ऐसे नहीं होता, अगर बकरी बच्चा दे उसका हाथ है, कहेंगे इंडिया का हाथ है। ये ऐसे काम तो इंडिया करता है ना। अच्छा। हाँ, कोई भी बात हो, कोई छोटा सा मिसाइल चल गया। इंडिया पे टॉपिक है ही नहीं, मेरा पाकिस्तान और चाइना पे टॉपिक है। मसले के चले, अच्छा मेरा टॉपिक ही पाकिस्तान और चाइना पे है। हम अपने मुल्क की इमेज को कैसे बेहतर करें, इतना खूबसूरत और इतना पुरामन पाकिस्तान को कैसे बनाएं कि दुनिया हमारे बुलाए बगैर ही कहे हम आना चाहते हैं? तो ऐसा तो है मुल्क हमारा, फिर भी कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, कैसा है? अच्छा है, अमन पसंद है। अच्छा। अमन नहीं, वो फिर कुछ अटैक्स वगैरह हो जाते हैं ना, उससे इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, ये भी ख़त्म होने चाहिए। खत्म होने चाहिए, वो कैसे होंगे? टैक्स खत्म होने चाहिए। ओके कर ले, बिल्कुल सही, थैंक यू सर। यहाँ पे फिर वही बात, सबसे पहले तो कंडमन करूँगा, इसने मेरा सबसे पहले कंडमन करूँगा कि जो धमाका हुआ है, जितना भी जानी नुकसान हुआ है ना, वो इंसानी जानी नुकसान पे इंसान को इजहार अफसोस करना चाहिए। मुझे इस बात का अफसोस भी है, और इस बात पे जिसको दहशतगर्दी की जो भी कार्रवाई अगर हुई है तो इसको कंडमन करता हूँ, नंबर वन। सेकेंडली, आपने बोला है कि BLA ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। थर्डली, आपने एक सवाल पूछा है कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। अब अगर इस चीज़ को देखें मिस निमरा, तो फिर वही बात आ जाती है जो मैंने, अगर आपको याद हो कि पहले जब वो हुआ था पंजाब के अंदर, जो पंजाबियों को मारा गया बलोचिस्तान के अंदर, तो वही बात आ जाती है कि एहसास महरूमी हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो एहसास महरूमी का है। जब आप फंडामेंटल राइट किसी को नहीं पे करते, जब आप किसी को, जिसको बोलते हैं कि उसकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ जो ह्यूमन बींग्स की होती हैं, वो आप उसको नहीं प्रोवाइड करते, तो उसका हल क्या होता है? तो उसने रिवेंज के तौर पर लेना होता है, एक बात तो ये आ जाती है। और सेकेंडली ये होता है कि कन्फर्म ये भी ज़रूर नहीं होगा कि वो BLA ने किया होगा, किसी ने एक्सेप्ट कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके जिसको बोलते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटीज़ के हालात होते हैं, आपके फॉरेन अफेयर्स होते हैं, आपके जिसको बोलते हैं रिलीजन और रीजन के अंदर जो, सॉरी रीजन के अंदर जो किस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त, वो आपस में जिसको बोलते हैं इसराइल की जंग फलस्तीन के साथ चल रही है, वहाँ पे जिसको बोलते हैं कि ईरान के साथ उनकी टेंशन चल रही हैं, बाकी जिसको भी बहुत सारे फैक्टर्स जिसके अंदर आ जाते हैं। फिर बहुत सी लॉबीज़ नहीं चाह रही होती, चाइना तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जिसको बोलते हैं कि ऑलवेज स्टैंड कर रहा होता है, और वो कोशिश करता है, वो भी ज़रूरी नहीं होता एहसान उसका भी नहीं होता है, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, कहीं पर चाइना का फ़ायदा है, कहीं पर हमारा फ़ायदा है, तो डेफिनेट चाइना का भी फ़ायदा है तो चाइना यहाँ पर इन्वेस्ट
टेस्ट कर रहा है चाइना हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा, एक बात। और सेकेंडली वही बात है कि सबसे पहले कोई भी हम जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम बैग कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बुनियादी चीज़ होती है इंटरनल सिक्योरिटी। अनफॉर्चुनेटली पिछले तकरीबन 2 डेकेड से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि हमारे मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का इशू जो है ना वो बहुत, जिसको बोलते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इस वक्त के। कभी हम अमन में आ जाते हैं, कभी हमारे यहाँ बम ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सायरन अभी पीछे चल रहा है ये तो अल्लाह करे कि किसी की ज़िंदगी जो भी ख़तरे में हो तो बेहतर हो जाए, लेकिन मतलब कि ये साउंड सुनने के भी एक वक्त हम आदि हो गए थे कि हर वक्त एक ऐसा वक्त भी था कि हर वक्त एम्बुलेंस के सायरन ये ज़ख्मियों की वजह से जो होता था वो होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है। लेकिन फिर भी अब क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, इसके अभी तो डिटेल्स मज़ीद आनी भी है इस चीज़ पर, लेकिन कंडम भी होना चाहिए। और जो भी फॉरनर आपके मुल्क के अंदर आए, जो भी आता है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे जैपनीज़ है, चाहे अमेरिकन है, चाहे इंडियन है, चाहे वो रशियन है, जो को हूँ सो है वेर हु इज़, उसकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रोटेक्ट करें। जब आप प्रोटेक्ट करेंगे फॉरनर्स को तब आपके मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट आएगी। जब सिक्योरिटी उस वक्त थी, लेकिन वो खुदकश हमलावर था जिसने गाड़ी टकराई साथ। एब्सोल्युटली खुदकश हमलावर था, लेकिन खुदकश हमलावर को रोका भी जा सकता, एक बात है। फिर उसके बाद सेकंडली मैं आपको बोलता हूँ, कि फिर भी सोचने की बात है कि क्यों जिसको बोलते हैं इंटरनल, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ, तो इसके मतलब कुछ थोड़ा सा तो हमारे लेग्स भी हुआ ना, कहीं तो हमारा अपना लेग्स भी है, बजाय कि हम किसी दूसरे पे बयान जाएं। हमारी एक आदत बन जाती है, हमारे एक नेशनल फिनोमेना बन चुका है कि हम दूसरे को हमेशा मूर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इंडिया ने कर दिया होगा, इसराइल ने कर दिया होगा, फ़लाँ ने कर दिया होगा, फ़लाँ ने कर दिया होगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्यों किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम अपने तरफ से तो गलती नहीं कर रहे, हमारी तरफ से तो कहीं गलती नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें भी कभी होती हैं। सर अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी कराची के अंदर चाइनीज़ पर कुछ अटैक हुआ था, तो तब भी चाइना ने जो है वार्न किया था। अभी चाइना की तरफ से खुली धमकी आ रही, जाहिर है उनके सिटीजन्स उनके कन्वॉय पर एक अटैक होगा तो जाहिर है वहाँ से कुछ एक्शन होगा। तो आपको क्या लगता है पाक चीन दोस्ती में अब तनाज़ात पैदा हो रहे हैं मज़ीद? एक बात बताऊँ, दो सगे भाई भी अगर एक घर में रहते हैं ना, तो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा एक वक्त होता है कि एक दूसरे की ज़्यादती बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे एक दूसरे के भाई भी ज़्यादती बर्दाश्त कर, लेकिन जब बात बच्चों पे आ जाती है ना, अपने बच्चे के साथ ज़्यादती भाई एक दिन बर्दाश्त करेगा, दूसरे दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरे दिन, एक वक्त फिर उसकी बस हो जाती है, फिर उसने क्या बोलना होता है, फिर उनकी सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर भी अगर आप देखें ना, तो वही हिसाब है। अगर उनके उनकी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने शहरियों की प्रोटेक्शन करना, उनके ऐसे रीजन में ऐसी जगह पर डिप्यूट करना कि जहाँ पर उनकी जान व माल की जिसको बोलते हैं कि गारंटी हो। अगर आपके मुल्क के अंदर उनके शहरियों की सिक्योरिटी नहीं होगी, उनके शहरियों को जान व माल का ख़तरा होगा, तो वो क्यों भेजेंगे, क्यों कर भेजेंगे? क्या हम अपने किसी सिटीजन्स को ऐसे मुल्क में भेजना चाहेंगे जहाँ पे अमन व अमान ख़राब हो? अगर अमन व अमान ख़राब नहीं होगा तो चाइना का तो राइट बनता है फिर ना भेजे। इस पर मैंने आपको पहले भी बताया कि BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये हमने करवाया है। उनका बेसिक मकसद था SCO समिट जो पाकिस्तान के अंदर 15 से 16 अक्टूबर को हो रही है उसको ख़तरे में लाना, उसको टारगेट करना। देखिए कि BLA ने अगर तो किया तो BLA को रोकना किसके काम है? अगर तो BLA को आपने जिसको बोलते हैं कि सेपरेटिस्ट दहशतगर्द या जो कुछ भी आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर उसके बाद उसको कर्टेल करें, उसको रोकें, उसको जिसको बोलते हैं एलिमिनेट करें, उसका वजूद ही भी तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। फिर ऐसा तो नहीं है ना कि उसका वजूद यहाँ पे मौजूद हो, उसको पहली बात है, फिर उसको ख़त्म करें, एक बात ये हो जाती है। फिर सेकेंडली अगर आप उस चीज़ को देखें कि आपने बोला कि जो SCO की समिट जो हो रही है वो बहुत ज़रूरी है, वो नो डाउट के वो ज़रूरी है, वो आपके मुल्क के लिए इस वक्त जिसको बोलते हैं कि एक
सफारती मुहाज पे बहुत बड़ी कामयाबी कंसिडर की जा सकती है, जिस तरह की वो काफ़ी अर्से से दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के जो पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी जिसको बोलते हैं क्रिटिकल हालात पे चल रहे थे। तो अब जिसको मैंने सुना है कि उनके भी जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिए इनविटेशन के, वो भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये एक अच्छी चीज़ है कि रीजन के अंदर जो है ना वो पीस का इन्वायरमेंट बनने का, माहौल बनने की, और जिसको बोलते हैं एक लग रहा है, एक उम्मीद बन रही है कि हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के आपस के जो हालात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और ये हो सकता है कोई बहुत सी लॉबीज ऐसी भी होंगी जो नहीं चाहती होंगी कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात आपस में बेहतर हों, तो हो सकता है ये भी हो सकता है, इसमें भी ये भी हो सकता है। देखिए वायलेंस जहाँ होगा मैं उस चीज़ को प्रॉपरली कंडेम करूँगी, अगर BLA की तरफ से यहाँ पर अटैक हुआ है उस चीज़ को भी मैं कंडेम करती हूँ, यहाँ से वहाँ कोई अटैक हो रहा है उस चीज़ को भी मैं कंडेम करती हूँ कि मुल्क की जो पीस है वो बना रहे, किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी में यहाँ पर जो है वो इशू ना आए। सर अगर पाक चीन दोस्ती में दरार आ गई, वैसे तो आ रही है, लेकिन अगर मजीद तनाज़ात बढ़ गए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा बताएं। एक बात याद रखिएगा, पहली बात आपने जैसे कंडम किया, मैं एक हमेशा बात करता हूँ किसी भी इंसान का, मासूम शहरी का गैर अदालती कत्ल जिसको बोलते हैं ना कि जब तक अदालत ने सज़ा उसको नहीं सुनाई, उसको कत्ल करना जिसको बोलते हैं कि कंडमनेबल है, उसको कंडम करना चाहिए। इवन के अगर BLA के बंदे को भी आप अदालत में पेश किए बगैर आप उसको कत्ल कर देते हो, हाँ मुकाबला हो रहा हो एक अलग चीज़ है, वैसे पकड़ के खुद से आप जिसको बोलते हैं कि अदालत बन के उसको कत्ल कर देते हो वो भी कंडम होना चाहिए, वो करते हैं वो भी कंडम होना चाहिए, ये बात हो जाती है। अब सेकेंडली आप बात कर रहे हो कि जिसको बोलते हैं कि चाइना और पाकिस्तान, अगर चाइना पाकिस्तान को छोड़ देता है तो क्या होता है, तो फिर तो वही बताएं कि फिर तो आप तबाही हैं। वो क्या कहते हैं कि पश्तो का एक लफ्ज़ बोला जाता है कि गरीब तबाह दे, फिर तो आपका प्रोग्राम बढ़ गया, फिर तो वही बात आ जाती है ना कि आप ये बताएं कि चाइना भी नहीं है, अमेरिका का आपके साथ मुकम्मल तौर पर अमेरिका तो है नहीं, वो तो हमेशा आपके साथ जिसको बोलते हैं कि दोगली गेम खेलता है, रशिया आपके साथ नहीं है, जिसको अफगानिस्तान आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो अच्छा सऊदी अरब भी आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, एक चाइना है वो भी उसकी आप मजबूरी है, आप वो आपकी मजबूरी है। तो अगर चाइना भी आपके साथ खड़ा नहीं होता तो दो दिन के अंदर आपके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो आपको खा जाएंगे, वो तो डकार भी नहीं लेंगे और आपको हजम कर लेंगे। और देखें इस वक्त चाइना ने इतने कर्जे दे रखे, इतना सामान है कि हम, मेरा ख्याल है कि चाइना से दूर वैसे भी जा नहीं सकते हैं, इतने तो उनके हम लोगों ने इधर प्रोजेक्ट्स और लीज पर भी कुछ चीज़ें जो है वो हमने उनको पकड़ाई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके बगैर सर्वाइव भी कर पाएंगे। और सर मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ये अटैक्स हो रहे हैं ये वाला कल्चर जो है वो अब एंड हो जाए। मुझे ये बताएगा जयशंकर ने कहा है मैं आ रहा हूँ SEO मीटिंग में, ये जो वाकया हुआ है क्या उनकी तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है बताएं। आना नहीं चाहिए, मैं ये तो कहता हूँ कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी चाहता है पीस हो पाकिस्तान के साथ, हम भी चाहते हैं इंडिया के साथ पीस हो, जो जो कॉमन जिसको बोलते हैं ना कि कॉमन पीपल जो हैं वो चाहते हैं पीस। उसकी वजह क्या है कि उसका फ़ायदा इंडिया को भी है हमें भी है, जब आपकी ट्रांजिट होती है ना आपका जिसको बोलो ट्रांजिट के ज़रिए उनकी आवाम को भी फ़ायदा हमें भी फ़ायदा, जिसको बोलते हैं वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें जो हम उनके रास्ते को इस्तेमाल करते हैं या उनकी मंडी को इस्तेमाल कर यूज़ करते हैं, वो बहुत सी चीज़ें जो हमारी मंडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बिल्कुल करीब बॉर्डर लग रहा है, जुड़ रहे हैं बॉर्डर, आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हैं, एक दूसरे की मंडियों को इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ायदा है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे, इंडिया भी नहीं चाह रहा होगा इस वक्त के पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब करें, क्योंकि बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान को और इंडिया की टेंशन चलते हुए, दोनों मुल्क इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर, नहीं दोनों के फ़ायदे में नहीं है टेंशन, एक बात ये हो जाती है। उन्होंने कहा था कि हम टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पर ख़तरा है, तो अगर उनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आता वो यहाँ पर आते हैं तो दैट्स गुड, इट वुड बी वेरी गुड, इट वुड बी अप्रिशिएटेबल, मैं तो कहता हूँ इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। एंड सेकेंडली वही बात है कि भेजेंगे, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भेजेंगे, हालात इस तरफ बेहतर हो जाएंगे। और आपने जैसे बोला ना कि इंडिया नहीं आ जाएगा, सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत है अमन, 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 अमन। जब तक अमन नहीं कायम करेंगे आपकी मुल्क के अंदर तरक्की नहीं होगी। एक बात, अमन से क्या होता है, अमन के साथ होना क्या होता है कि अमन कैसे आता है, आपके मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं अगर तो उनको नेसेसिटीज़ अवेलेबल है, उनको तालीम अवेलेबल है, उनको इलाज अवेलेबल है, उनको मेडिकल जिसको बोलते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको ब्रेड एंड बटर अवेलेबल है, उनको खाना पीना अवेलेबल है, उनको छत अवेलेबल है,
तो उन्होंने क्या ज़रूरत पड़ी किसी को जिसको बोलते दहशत गर्दी करने की। दहशत गर्दी हमेशा वो करता है या जिसने किसी से इंतकाम लेना होता है। इंतकाम भी दो चीज़ों में लिया जाता है, या तो इंतकाम इंसान तब लेता है जब किसी ने किसी के साथ ज्यादती की होती है, या उसने किसी से कोई चीज़ खाई हुई होती है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली जब आप किसी का हक सल्व करेंगे तो उसने उस आपका इंतकाम लेना है, तो इंतकाम के अंदर ही दहशत गर्दियाँ होती हैं। तो लोग इंतकाम जिसको बोलते हैं एक रिवेंज लेते हैं। देखिए मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि जिस तरह से BLN ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की उठाई है, अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो उनमें भी मुहिब्बे वतनी जागी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप उसको कौमी दायरे में क्यों नहीं लेके आते। बंदूक तलवार किसी मसले का हल नहीं है, याद रखिएगा, ताकत किसी भी मसले का हल नहीं है। हमेशा जब होता क्या है, हमेशा जो हल निकलता है वो टेबल पर आकर निकलता है। आप मुज़ाकरात की दावत है ना, आप मुज़ाकरात पे लेके आएँ, आप उनको फैसिलिटेट करें, आप उनका एतमाद बहाल करें, आप उनको कौमी धारे में लेके आएँ। जब कौमी धारे में लेके आएंगे तो क्यों करेंगे वो ऐसे हरकत। आपको ऐसा माहौल बनाएं कि उनका जिसको बोलते हैं कि ट्रस्ट डेवलप हो, उनका ट्रस्ट डेवलप होगा, वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, तब जाके वो जिसको बोलते हैं ना कि आपको इसको पॉलिटिकल मैनेज करें बजाय कि ताकत, क्योंकि ताकत किसी भी मसले का हल नहीं होता। थैंक यू सो मच सर।